फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है एमसीए वर्जन 3 पे। फ्रेंड्स, वर्जन 2 पे हमें जनरली क्या करना होता था कि जो नेम के लिए फॉर्म है वो डाउनलोड करना होता था, उसके बाद में उसको फिल करना होता था, अकॉर्डिंगली अटैचमेंट्स लगा के आपको अपलोड करना था वर्जन 2 में। एंड उसके बाद में जैसे ही वो नेम अप्रूवल होता है, उसके बाद में आपको फॉर्म फाइल करना होता था, फॉर्म फिलिप, ठीक है, या फिर उस टाइम पे फॉर्म 1 2 इस तरीके से भी एलएलपी में देते थे वर्जन 2 में। बट वर्जन 3 में अभी जो फॉर्म है नेम रिजर्वेशन के लिए, दैट इज रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम ऑफ द एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, आज हम एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए किस तरह से नेम रिजर्व किया जाता है, किस तरह से नेम रिजर्वेशन के बाद में एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एमसीए की जो पोर्टल है, एमसीए का जो पोर्टल है जिसपे हम नेम रिजर्व करते हैं, वो स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको एमसीए लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यहाँ पे आपको वर्जन 3 पे लॉग इन करना है। वर्जन 3 मीन्स यहाँ पे आप लॉग इन करना है साइन इन पे, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। लॉग इन फॉर V2 फाइलिंग, V2 मीन्स वर्जन 2, और V3 मीन्स वर्जन 3। तो यहाँ पे V3 के लिए आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स लॉग इन करने हैं, एंड यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉग इन होने के बाद में एमसीए सर्विसेज में आपको जाना है, एंड एमसीए सर्विसेज में यहाँ एलएलपी ई फाइलिंग है। फ्रेंड्स, एलएलपी के जितने भी फॉर्म है, चाहे फॉर्म 3 4 5 8 11 या फिलिप इनकॉर्पोरेशन रन एलएलपी, जितने भी फॉर्म्स है वो सारे के सारे फॉर्म्स वर्जन 3 में ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। कंपनीज के कुछ फॉर्म्स पेंडिंग है, कुछ फॉर्म्स वर्जन 3 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका नेम जो है वो रिजर्व करना जरूरी है, रिजर्व यूनिक नेम। यहाँ पे रन एलएलपी उसके लिए एक फॉर्म होता है, दिस इज एन वेब फॉर्म। आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं करना, फॉर्म प्रिपेयर करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा यहीं पे। आपको इसको डाउनलोड करके, डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी। तो विदाउट डीएससी भी आप नेम रिजर्व कर सकते हो। तो जैसे ही हम रन एलएलपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट आती है, एंड इसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, वेदर द एलएलपी इज ए न्यू इनकॉर्पोरेशन, अगर आप फ्रेश एलएलपी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज एन कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, या किसी कोई पार्टनरशिप फर्म को आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, किसी कंपनी को एलएलपी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके लिए अगर नेम रिजर्व करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी, ऑलरेडी कोई एलएलपी है जिसकी जिसको जिसका आपका नेम चेंज करना है, उसके लिए भी फॉर्म रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम ऑफ द एलएलपी आपको फाइल करना है। फ्रेंड्स, इसका जो चालान अमाउंट है, दैट इज 200 रुपीज, 200 रुपए का चालान है। 200 रुपीज का चालान पे करके आप अपना नेम रिजर्व कर सकते हो, और नेम रिजर्वेशन के बाद में ही आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन में 3 स्टेजेस है। सबसे पहले नेम रिजर्व करना है, नेम रिजर्व करने के बाद में आपको फिलिप फॉर्म फाइल करना है, फिलिप फॉर्म फाइल करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, उसके बाद में आपको फॉर्म 3 फाइल करना है, दैट इज फॉर द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट आपको 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है आरओसी में। 30 डेज मीन्स जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन डेट से विदिन 30 डेज यू हैव टू फाइल फॉर्म 3 इन विच एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच, दैट इज मैंडेटरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेम रिजर्व करते हैं। नेम रिजर्व में यहाँ पे ये सिन या एलएलपी ने इस तरह से लिखा हुआ कि आपके जो चार अलग अलग सेपरेट केस है ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आपको डिटेल्स फिट करनी है। उसके बाद में द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्च एंड सेलेक्ट इंडस्ट्री सब क्लास एनआईसी कोड। यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वहां पे ऑब्जेक्ट के लिए जो भी एनआईसी कोड है वो आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। उसके बाद में प्रपोज नेम 1 एंड प्रपोज नेम 2, तो हमेशा आपको दो नेम के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। आप फर्स्ट, आइदर वन, आइदर फर्स्ट या सेकेंड, आपको फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड मिल सकता है, सेकंड नहीं मिला तो फर्स्ट मिल सकता है। उसके बाद में अगर आप कुछ अटैचमेंट्स लगाना चाहते हो, लाइक आप ऑब्जेक्ट्स अटैच करना चाहते हो, या फिर आपको डिक्लेरेशन क्लेरिफिकेशन या कोई भी चीज आप अटैच करना चाहते हो, एज पर योर केस, यहाँ पे जो आपने केस टिक किया, पर एज पर योर पर्पज, जो पर्पज ऑफ फाइलिंग आपने टिक किया उसके अकॉर्डिंग जो भी अटैचमेंट्स आप लगाना चाहते हो, मैक्सिमम 10 MB तक का अटैचमेंट आप यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद में आपको ऑटो चेक करना है। ऑटो चेक में जो भी आपने नेम दिए हैं, वो नेम के अंदर कोई इश्यूज है, कोई ट्रेडमार्क इश्यूज है, कोई सिमिलरिटी इशू है, तो ऑटो चेक द फॉर्म के अंदर वो आपको हाईलाइट कर देगा। और अकॉर्डिंगली ऑटो चेक दी फॉर्म के अंदर अगर कुछ एरर आता है तो वो फिर सेव एंड सबमिट नहीं हो पाएगा, उस एरर को आपको रिजोल्व करना है। अगर इन्फो आता है तो सेव एंड सबमिट कर सकते हो, बट एरर आता है तो सेव एंड सबमिट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑटो चेक के बाद में आपको सेव करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में 200 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में
ये जो फॉर्म है ये आपका अंडर प्रोसेसिंग स्टेज में आपको शो हो जाएगा, और जैसे ही वो फॉर्म अप्रूव होता है तो वो अप्रूव्ड स्टेज में शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आपको ये करना है, रन रिजर्व यूनिक नेम, उसके बाद में एलएलपी फाइलिंग में सेकंड फॉर्म इज फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार वापस से हम लॉग इन कर लेते हैं, वो शायद लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पे लॉग इन करने के बाद में आपको फिलिप फॉर्म पे जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, पेंडिंग फॉर एक्शन, अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, कैंसिल्ड पेमेंट, सर्टिफिकेट चालान, नोटिस एंड ऑर्डर। यहाँ पे जैसे ही आपने रन फॉर्म फाइल किया तो वो जो रन फॉर्म है यहाँ अंडर प्रोसेसिंग हेड में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका, मान लेते हैं कि हम लोग जो नेम रिजर्वेशन के लिए रन एलएलपी फाइल किया था वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में आपको फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे क्लिक करना है। एंड फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बाद में यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे वेदर द नेम इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय आरओसी, यहाँ पे यस करना है, बिकॉज आपने रन एलएलपी के थ्रू ऑलरेडी वो नेम अप्रूव करवा चुके हो आप, तो यहाँ उसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रन एलएलपी आपने यस टिक किया है, तो इसके अंदर आपको एसआरएन मेंशन करना है। एसआरएन मेंशन करने के बाद में जो आपका ये टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा कि आपने न्यू इनकॉर्पोरेशन किया था, कन्वर्जन किया था, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट एलएलपी किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रपोज और अप्रूव्ड नेम है ये यहाँ पे एसआरएन आप डालते हो, उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ए पॉइंट है 2A, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो एलएलपी अप्रूव हुआ था नेम, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रीफिल हो जाएगा एसआरएन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एलएलपी का नेम है वो 90 डेज तक वैलिड होता है, बट कंपनीज का जो नेम है वो 20 डेज तक वैलिड होता है, इसलिए आपको 90 डेज के अंदर अंदर फिलिप फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। 90 डेज में अगर आप नहीं करते हो तो नेम जो है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी बाय पेइंग 200 रुपीज अगेन फॉर द नेम। उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि वो नेम आपको इजिली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसलिए सजेशन यही रहता है कि आप नेम अप्रूव होने के बाद में ज्यादा दिन वेट नहीं करते हुए इसको आप फिलिप फॉर्म फाइल करके इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता था, पहले जो पैन कार्ड है पैन कार्ड के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होता था पैन एंड टेन के लिए, बट अभी फिलिप फॉर्म के थ्रू ही आपको पैन कार्ड भी मिल जाएगा और टैन कार्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आगे जाके जब इस फॉर्म को आप प्रिपेयर करते हो तो वहाँ रेंज कोड, एओ कोड्स वगैरह आपको यहाँ मेंशन करना है अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद में पैन एंड टैन ऑफ द एलएलपी आपको इजिली मिल पाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद में आपको एलएलपी ई फाइलिंग, जब एलएलपी ई फाइलिंग में फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी आपका अप्रूव होता है, उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में आपको एक तो पैन कार्ड रिसीव होगा, एक टैन कार्ड, एंड उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं एक बार कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ द फिलिप हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में एलएलपी फाइलिंग में आपको जाना है, यहाँ पे रन आपने कर दिया फाइल, फिलिप आपने फाइल कर दिया, फिलिप फाइल होने के बाद में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा जिसके बेसिस पे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बट बैंक अकाउंट जब ओपन करवाओगे तो शायद हो सकता है कि वो आपको एलएलपी एग्रीमेंट भी पूछे कि आप एलएलपी एग्रीमेंट भी सबमिट कराओ, तो एलएलपी एग्रीमेंट आपको क्रिएट करना होगा। अगर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो उन दोनों के बीच में आपको एग्रीमेंट क्रिएट करना होगा। उस एग्रीमेंट में आपको एज पर स्टेट मीन्स अगर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उस अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, एंड स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद नोटराइज एलएलपी एग्रीमेंट आपको फॉर्म 3 में अटैच करना है। तो फॉर्म 3 में हम जाते हैं एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे फिलिप से आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद में काफी बार ये जो फॉर्म 3 ऑफ द एलएलपी ये मिस हो जाता है या फाइल करना स्किप हो जाता है, बिकॉज सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एक बार टेम्पररी काम अपना हो जाता है, बट ये फॉर्म जो है ये फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज या आफ्टर 30 डेज, तो आपको ये टिक करना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करते हो एलएलपी, यहाँ पे आपको डालना है जो भी आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हुई थी। अगर मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर कुछ आप चेंजेस कर रहे हो एलएलपी एग्रीमेंट में या पार्टनर्स को लेके या उनकी डिटेल्स को लेके, तो यहाँ पे आपको सेकेंड जो है ऑप्शन वो टिक करना है, फॉर इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू चेंजेस इन द एलएलपी एग्रीमेंट, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको टिक करना है। बट इनकॉर्पोरेशन के बाद में जो आप फॉर्म करते हो वो आपको फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है, फॉर्म फिल्ड फाइल्ड फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। यहाँ पे आपको प्लेस एट विच इनिशियल एग्रीमेंट वाज मेड वो आपको मेंशन करना, डेट ऑफ एग्रीमेंट मेंशन करना है अकॉर्डिंगली।
यहाँ ऑब्लिगेशंस हो जाएगा जो आपने सब्सक्राइबर शीट में आपने अटैच किया था, उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो एलएलपी एग्रीमेंट में आपने या आपके पार्टनर्स ने साइन किए थे, वो यहाँ टर्म्स एंड एग्रीमेंट जितने भी है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। फ्रेंड्स, फॉर्म 3 ऑफ द एलएलपी दैट इज रिक्वायर्ड टू फाइल, दैट इज मैंडेटरी फॉर्म, काफी बार वो स्किप हो जाता है, तो उसके अंदर फॉर्म 3 ऑफ एलएलपी में आपको एलएलपी एग्रीमेंट अटैच करना मैंडेटरी है, और वो एलएलपी एग्रीमेंट में हर पेज पे आपको साइन करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जो भी पार्टीज होती है, मिस्टर ए या मिस्टर बी, उनके विटनेस होने भी मैंडेटरी है, और एवरी पेजेस पे सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि सिर्फ जहाँ सिग्नेचर का नाम हो डायरेक्टर्स का वही नहीं करना, एवरी पेजेस मतलब जो भी सारे पेजेस हैं उन सब पे आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, जो रन हमने फाइल किया था फर्स्ट टाइम पे रिजर्व यूनिक नेम, उसमें अटैचमेंट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप अटैच करना चाहते हो इनकॉर्पोरेशन के लिए क्लैरिफिकेशन, बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन नेम के लिए, तो आप कर सकते हो। बट फिलिप जो फॉर्म है, फिलिप फॉर्म के लिए आपको फिलिप के साथ साथ फॉर्म 9 भी आएगा। फॉर्म 9 ऑटोमेटिक क्रिएट होगा आपके। पहले क्या होता था, फॉर्म 9 जिसके पास डिन होता था, द पर्सन हैविंग डिन, तो उसके लिए आपको फॉर्म 9 सेपरेट अटैच करना होता था एज एन फिजिकल फॉर्म। अब जिसके पास डिन है उसका ऑटोमेटिक फॉर्म 9 क्रिएट होगा, और उसी पे आपको डीएससी लगाना है, और डीएससी के साथ साथ फॉर्म 9 एंड फिलिप दोनों फॉर्म एज अ लिंक्ड फॉर्म आपका फाइल होगा। तो काफी बार ये कंफ्यूजन होता है कि फॉर्म 9 हम फिजिकली अटैच करें या फिर ऑनलाइन ही क्रिएट होगा, तो इफ द पर्सन इज हैविंग डिन तो उनका ऑनलाइन ही क्रिएट होगा, वहां पे आपको डीएससी लगा के ऑनलाइन ही अपलोड करना है। उसके साथ साथ आपको डायरेक्टर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या यूटिलिटी बिल फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस आपको अटैच करना है, उसके लिए एनओसी अटैच करना है। अगर कोई पार्टनर किसी और एंटिटी में है, डायरेक्टर या पार्टनर है, तो इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी भी अटैच करना मैंडेटरी है, सब्सक्राइबर शीट भी अटैच करना मैंडेटरी है। तो फॉर्म फिलिप में सारे अटैचमेंट्स आपको आपको अटैच करने के बाद ही फॉर्म फिलिप फाइल करना, वरना रिसबमिशन के चांसेस होते हैं। और जिस तरह से वर्जन 3 अभी चल रहा है, तो रिसबमिशन में क्या टेक्निकल इश्यूज आते हैं, क्या एरर्स आते हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो फर्स्ट टाइम हम फाइलिंग करें फिलिप फॉर्म या फॉर्म 3 या रन फॉर्म, तो उसमें मेक श्योर करें कि सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हम दें, क्योंकि रिसबमिशन में काफी बार टेक्निकल इश्यूज आ सकती है। अभी फिलहाल काफी सारे टेक्निकल इश्यू ऑब्जर्व भी किए जा रहे हैं। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन काफी इजी प्रोसेस है। हाँ, इसमें प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है फॉर्म फिलिप फॉर्म में। तो डीएससी जो है डिजिटल सिग्नेचर, वो डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का लगाने बाद में आपको प्रोफेशनल का साइन भी मैंडेटरी है, डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपको डीएससी बनवाना होगा जो भी पार्टनर्स है उनका, और वो डीएससी इफ द पर्सन इज हैविंग डिन तो उस डीएससी को उस दिन के साथ MCA V3 पे रजिस्टर करना भी मैंडेटरी है। बिकॉज MCA V3 पे जब आप डीएससी रजिस्टर नहीं करोगे वर्जन 3 पे, तो आपके अपलोडिंग के टाइम पे ये एरर आ सकता है दैट डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद MCA वर्जन 3 पोर्टल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जब भी डिजिटल सिग्नेचर आप बनाते हो या आपके पास ऑलरेडी है, एंड इफ द पर्सन इफ द डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर इज हैविंग डिन और डीपिन, तो उसका लॉगिन क्रिएट करके, पर्टिकुलरली उसका डिन का लॉगिन क्रिएट करके उसका डिजिटल सिग्नेचर उसके अंदर रजिस्टर करना एफओ सर्विसेज में मैंडेटरी है, अदरवाइज अपलोडिंग में इश्यू आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वर्जन 3 के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब पे कुछ ना कुछ हमने राइट अप्स भी किए हैं, उसके साथ साथ मिनी वीडियोज भी बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, उसके साथ साथ लॉन्ग वीडियोज भी बनाए हैं। तो आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिल रहे हैं, तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।